नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड में भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का मिलन हो गया है और उस मिलन के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं तमाम मीडिया चैनल पर भी इस खबर को चलाया जा रहा है। लेकिन इस कड़ी में फिल्म फेयर में तमाम लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिए, तमाम कलाकार अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ परफॉर्म किए। जैसे कि अगर मैं खेसारी लाल यादव की बात करता हूं तो यामिनी सिंह के साथ परफॉर्म किए, पवन सिंह की बात करता हूं तो आकांक्षा पुरी के साथ परफॉर्म किए, तो वहीं काजल राघवानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस थी जिसमें पवन और खेसारी दोनों के गाने अवेलेबल रहे। लेकिन इस दौरान जब पवन सिंह की एंट्री हुई तो एक अभिनेत्री ने सुर्खियां बटोर लिया और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट रह चुकी आकांक्षा पुरी है। जी हाँ, बात करें तो ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि आकांक्षा पुरी हॉट बोल्ड अंदाज में नजर आती हैं और बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट के तौर पर वो हिस्सा भी ले चुकी हैं, तो अपने आप में उनका नाम है। तो पवन सिंह और आकांक्षा पुरी की जोड़ी को लेकर काफी सुर्खियां होती है, काफी चर्चाएं होती हैं। लेकिन 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 जब खेसारी लाल यादव मुंबई वापसी कर रहे थे, इस दौरान आकांक्षा पुरी जो हैं वो खेसारी लाल यादव के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसकी तमाम तस्वीरें तमाम वीडियोज जो हैं वो आप सभी के सामने आई। लेकिन अब इस तस्वीर को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ जो है वो आकांक्षा पुरी को साथ आना चाहिए, क्योंकि आकांक्षा पुरी के अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं तो भले ही फिल्म फेयर में पवन सिंह के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी, लेकिन 15-16 लगभग वो स्टेटस लगाई हैं और 15-16 स्टेटस में लगभग खेसारी लाल यादव का जो है 12-13 स्टेटस जो है खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी को जोड़ी जो है वो कितना ज्यादा और आकांक्षा पुरी को पर्सनली पसंद आ रहा होगा तभी इस तरीके की स्टेटस जो है लगा रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक पोल भी डाला था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम स्टोरी में और लिखा था कि गेस व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर, यानी कि गेस कीजिए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था, जिम रूटीन, फिल्म फेयर परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट सॉन्ग शूट। तो नेक्स्ट सॉन्ग शूट पे 42%। तो इस चीज से कहीं ना कहीं उनको भी खबर पहुंची होगी कि गाना करना चाहिए खेसारी लाल यादव के साथ, क्योंकि 42% वोट्स जो हैं वो उस पे हैं। तो आप लोग क्या खेसारी लाल यादव के साथ आकांक्षा पुरी को देखना चाहते हैं? अगर खेसारी यादव के साथ आकांक्षा पुरी काम करती हैं तो किस तरीके की चीजें नजर आएगी और वो गाना कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा? आप सब ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें जरूर बताइएगा। बाकी खेसारी यादव के साथ भी आपने एंट्री देख लिया, पवन सिंह के साथ भी आकांक्षा पुरी का मतलब तस्वीरें जो है दोनों का देख लिया, तो किसके साथ ये जोड़ी जम रही है ये बता दीजिए। धन्यवाद।